नमस्कार दोस्तों, आप सबका YouTube चैनल मृदुला मेहरा पर स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज रात्रि 9 बजे हमें दीपक का प्रकाश करना है। मैंने देखा कि सभी लोग विचलित हैं, दौड़े हुए बाजार में जा रहे हैं, दीपक नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें बाजार में दौड़ना है, भीड़ लगानी है, ये दीपक हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं इस दीपक को किस किस तरीकों से घर में ही जो सामान उपलब्ध है उनसे बनाया जा सकता है। तो अगर किसी के पास ऐसे दीपक नहीं है, नहीं हो पा रहे हैं, तो हम जरूरी नहीं है, किसी ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ये दीपक हमें मिट्टी के ही बने होने चाहिए। ये दीपक हम अपने घर में उपलब्ध छोटी छोटी कटोरियों, गहरे वाली जो चम्मच है या कड़छील है उसमें, छोटी प्लेट और भी कई एक ऐसे सामान हैं जिससे हम दीपक बना सकते हैं। हम लोग पूजा के समय देखा होगा आपने कि आटे के दीपक बनाते हैं, तो कितने लोगों को वो भी नहीं बनाने आते कि हम आटे से दीपक कैसे बनाएं। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि अपने घर के किचन से जो आटा गूंधा हुआ है उसी को लेकर हम किस तरीके से आटे से दिए बनाएंगे। तो मैं आपको एक दीपक ये बना हुआ है दिखा रही हूँ, और दूसरा एक डो मैंने छोटा सा लिया है, इसको हम दोनों हाथों से ऐसे घुमाते हुए जिस तरीके से हम रोज अपनी ही रोटी बनाने के लिए एक पेड़ा लेते हैं उसी भांति लेना है। इसको ऐसे घुमाया, यहाँ पे एक छोटा सा छेद करते हुए अपने चारों उंगलियों का सपोर्ट देते हुए एक छोटी सी गहरी खाई की तरह बना लेंगे, और लीजिए हमारा दीपक तैयार है। है ना कितना आसान, सिर्फ एक मिनट का काम था। आइए, अगर ऐसा भी हमारे पास आटा भी कई लोगों को नहीं घूमना आ रहा है, युवा बच्चे हैं जो आज बाहर हैं, तो उन्हें मैं दिखाती हूँ फॉइल से कैसे बनेगा। फॉइल बहुत ही इजी मेथड है और ये हर घर में उपलब्ध होगा, आजकल के नई जनरेशन के पास मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ये फॉइल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, आप इसको किसी भी तरीके से चार या पांच परतों में लपेट लीजिए ताकि ये मोटा हो जाए। अब इसको हम थोड़ा सा सपोर्ट देंगे किसी घर में ढक्कन से, और यूं घुमाते हुए, और सपोर्ट मिल गया आपको, इसकी चोंच को यहाँ से ऐसे मिला लेंगे ताकि ये गहराई ले ले, और देखिए दीपक तैयार है। ऐसा ही एक दीपक मैंने पहले से भी तैयार करके रखा था। अब इसमें आप इतना तेल डालेंगी, 9 मिनट क्या उससे ज़्यादा भी तेल से ये दीपक प्रज्वलित रहेगा। अब आती है दीपक के लिए बाती बनाने की। बाती बनाना भी बहुत आसान है, वैसे तो हम लोगों के घरों में इस प्रकार की बत्तियाँ मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये बत्तियों की उपलब्धता भी हमारे घर में नहीं हो पाती है। हम ज़्यादातर आज युवा के लिए प्रकाश डाल रहे हैं कि युवा भी हमारे इस लड़ाई में पूरे भागीदार बने, और यदि उनके घर में ये बत्तियां नहीं हैं, क्योंकि बच्चे मोस्टली पढ़ने गए हैं बाहर, नौकरियों पे हैं बाहर, और वहीं के वहीं लॉकडाउन हो चुके हैं, तो उनके घर में उनकी घर की किन वस्तुओं से हम दीपक के लिए बाती तैयार करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने देखा लोगों के पास ये रुई होगी। रुई को सिर्फ सिंपली एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, इसको हल्का सा हाथों से बढ़ाते हुए और इसको लंबा कर लिया, हो गई ना तैयार बाती। कितना आसान है इस बत्तियों को तैयार करना। अब किसी को गोल बत्ती बनाने का मन है तो हल्का सा टुकड़ा रुई का लिया, इधर से ऐसे चुटकी काटते हुए घुमाया, इधर से भी चुटकी काटते हुए यूं हमने घुमा दिया। अब इन दोनों को बीच में एक अंगूठा
देते हुए, सहारा देते हुए इसको इस तरीके से घुमाया और देखे तैयार हो गई हमारी बाती। कभी कभी हमारे घर में रुई भी नहीं होती है, तब हम बाती कैसे तैयार करें? आपके घर में तागा होगा, तागे को इस तरीके से लीजिए, इसको तीन चार बार हम यूं ही लंबा लंबा ले लेंगे। अब इस धागे को हम ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करते जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे और फिर इन दोनों के आखिरी सिरों को मिला लिया, दोबारा से इसे ट्विस्ट किया और इनके सिरों को दोबारा मिला लिया। हाँ, धागा सूती होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो लीजिए, हमारी रुई की बाती तैयार है, इसे भी हम अपने इस दीपक में रख सकते हैं। अगर धागा भी नहीं है तो रुमाल घर में होंगे, कोई छोटा फोटा फटा कपड़ा होगा। देखिए, मैंने इस रुमाल से एक छोटी सी पतली सी ऐसे काट रही हूं, जैसे आप ये बोलेंगे पतला सा कपड़ा मैंने काटा है, इसको भी यूं हम ट्विस्ट कर देंगे यहां से मिलाते हुए। देखिए, तैयार हो गया ना ये दीपक भी। मैंने इस प्रकार से भी दीपक तैयार किए हैं जो करोना के नाम से हैं। इस करोना को मैं रात में जलाऊंगी। तो इस प्रकार आप दीपक बनाइए, बाती बनाइए और रात में इसे प्रकाशित कीजिए, प्रज्वलित कीजिए, ताकि हम करोना को दूर भगा सकें।